सो वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप सब? होप सो बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट प्रतीक। बहुत सारे क्यूरीज आ रही थी कि आपको फॉर लूप, वाइल और डू वाइल में डिफरेंस नहीं समझ आ रहे हैं, मतलब बच्चों को इस चीज़ में प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं इसी के ऊपर, ये टॉपिक जो है इसी के ऊपर मैं लेके आया हूँ। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कुछ बेसिक्स की। बेसिक्स अगर आपको क्लियर होंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। बेसिक्स की बात करें तो सबसे पहली चीज़ समझते हैं कि लूपिंग क्या होती है। लूपिंग आप सबको पता है कि जब कभी क्या होता है, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को जब नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट कराना होता है तो उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, सेट ऑफ स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड नंबर ऑफ टाइम्स, तो वो क्या कहलाता है, हमारा लूप कहलाता है। फॉर एग्जांपल अगर हमें 1, 2, 3, 4, 5 ये प्रिंट कराना है तो हम क्या करेंगे, एक लूप चला देंगे। फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू 5, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस प्लस हो जाएगी। फाइन, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, आपका SOPLN I आ जाएगा। तो ये बहुत बेसिक सा तरीका है मैंने जिसके अंदर बता दिया आपको कि लूपिंग होती क्या है। ये आपको होप सो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। फाइन, तो अब इसी तरीके से जो लूप होते हैं, जो सेट ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना होता है, ये लूप बेसिकली होते हैं दो तरीके के। एक होता है हमारा कहलाता है एंट्री कंट्रोल लूप, एक हमारा कहलाता है एंट्री कंट्रोल लूप और दूसरा हमारा कहलाता है एग्जिट कंट्रोल्ड लूप। बात करें एंट्री कंट्रोल की, आप सबको पता है कि जब आप, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जब आप मॉल में एंटर करते हो तो जो गार्ड होता है वो कब चेक करता है, जब आप मॉल में एंटर करते हो, ये एग्जांपल है, ठीक है, जब आप मॉल में एंटर करते हो तो गार्ड आपको कब चेक करता है, एंट्री के टाइम। वहीं पे अगर दूसरा एग्जांपल लें, बिग बाज़ार या किसी भी रिटेल शॉप का, तो आप कब आपको गार्ड चेक करता है, गार्ड आपको कब चेक करता है, एग्ज़िट के टाइम। उसी तरीके से इसमें एंट्री के टाइम, इसमें एग्जिट के टाइम। उसी तरीके से लूप की जो कंडीशंस होती हैं, लूप की क्या होती हैं, लूप की जो टेस्ट कंडीशंस होती हैं उसको चेक करने का अलग अलग टाइम होता है, ठीक है। कुछ में एंट्री के टाइम चेक होता है, कुछ के अंदर क्या होता है, कुछ के अंदर एंट्री के एग्जिट के टाइम पे होता है, कुछ के अंदर कहाँ पे होता है, एंट्री के टाइम पे होता है। फाइन, सो ये क्या कहलाता है हमारा एंट्री। इसी के बेसिस पे दो कैटेगरी डिवाइड की जिसको हम क्या कहते हैं, एंट्री कंट्रोल एंड एग्जिट कंट्रोल। फाइन, होप सो ये आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं, तो समझते हैं एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप में बेसिक चीज़ें, बेसिक डिफरेंट, एग्जिट कंट्रोल। सबसे पहली चीज कंट्रोल्ड लूप, सबसे बेसिक चीज समझते हैं कि कोई भी लूप होता है उसके अंदर टोटल तीन मटेरियल होते हैं। एक क्या होता है इनिशियल, एक क्या होता है फाइनल, और एक क्या होता है स्टेप वैल्यू, मतलब इनिशियल वैल्यू होती है और इसको फाइनल या फिर कह सकते हैं टेस्ट कंडीशन, और तीसरी चीज़ क्या होती है उसके अंदर, स्टेप वैल्यू। एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। फॉर का लूप आप सबको पता है, फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू 5, आई की वैल्यू प्लस प्लस, इससे क्या होगा 1, 2, 3, 4, 5, ये सपोज प्रिंट करना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन आई, तो इससे क्या हो जाएगा, आपका प्रिंटिंग होगी। अब बात समझिएगा, इसके अंदर पांच चीज़ें डिफरेंट आती हैं, वो क्या है, ये सपोज आई इज इक्वल टू 1 दिया गया, दिस इज व्हाट इनिशियल, ये क्या होती है टेस्ट कंडीशन, ये क्या होती है स्टेप वैल्यू, और ये आपके क्या हो जाते हैं, स्टेटमेंट्स हो जाते हैं। तो जो एग्जीक्यूशन का तरीका होता है वो इस तरीके से होता है, फर्स्ट स्टेप ये होता है, सेकंड स्टेप ये होता है, थर्ड स्टेप ये होता है, फोर्थ स्टेप ये होता है, फिर उसके बाद यहाँ पे आता है, ठीक है, और ये साइकिल इस तरीके से चलती है। तो अब क्या हो गया, यहाँ पे देखिएगा, बात समझिएगा, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप पे यहाँ पे चेक हुआ, फर्स्ट चेक देन एग्जीक्यूट वाली यहाँ पे पॉलिसी फॉलो हो रही है, ये क्या कहलाएगा एंट्री कंट्रोल लूप, ये क्या कहलाएगा एंट्री कंट्रोल लूप। फाइन, और अगर यहाँ पे क्या होने लगे कि दूसरा जो तरीका होता है अब एग्जिट कंट्रोल का, वो मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन ये आपको अगर कोई भी यहाँ तक डाउट हो तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। फाइन, चलिए अगला आता है वाइल लूप। वाइल लूप का जो मैं सिंटेक्स बता रहा हूँ उससे आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। दूसरा क्या है वाइल लूप,
वाइल लूप के अंदर क्या होता है, वाइल भी लूप यही एग्जिट का एंट्री कंट्रोल ही लूप होता है। उसके अंदर का जो उसका जो सिंटेक्स होता है वो इस तरीके से आता है, इनिशियल वैल्यू, फाइन, वाइल कीवर्ड का यूज़ करते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे टेस्ट कंडीशन लगाते हैं, आफ्टर दैट ब्रैकेट ओपन करते हैं, आपका जो भी यहाँ पे सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं उसको लिख देते हैं, और लास्ट में क्या करते हैं, स्टेप वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, तो इतना समझिएगा, पहली चीज़ तो ये क्या है, एंट्री कंट्रोल लूप है। ये क्या है, एंट्री कंट्रोल लूप, क्यों? क्योंकि फर्स्ट स्टेप ये होता है, सेकंड स्टेप ये होता है, थर्ड स्टेप ये होता है, फोर्थ स्टेप ये होता है, उसके बाद फिर ऊपर आपका जाके फिर से कंडीशन चेक कराता है। उसी एग्जाम्पल को, इस वाले एग्जाम्पल को अगर हम लोग ध्यान से देखें, इसको कन्वर्ट करना होगा, इस वाले एग्जाम्पल को कन्वर्ट करना होगा व्हाइल लूप में, तो कैसे होगा? सबसे पहली चीज़ देखेंगे, दोनों को साइड बाय साइड में लिख के बताता हूँ क्या था। फॉर आई इज इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 5, आई की वैल्यू प्लस प्लस, उसके बाद फिर आपका एस ओ पी एल एन आई दिया गया था। अब समझिएगा बात को, क्या हो गए इसको इधर पे वाइल में, सबसे पहले क्या आएगी आपकी इनिशियल वैल्यू, सबसे पहले क्या आएगी एज पर दी सिंटेक्स, यहाँ पे इनिशियल वैल्यू वाइल लिखेंगे, आई इज लेस देन इक्वल टू 5 लिखेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा, टेस्ट कंडीशन आएगी, ब्रैकेट ओपन करेंगे, एस ओ पी एल एन आई लिखेंगे, और लास्ट में आती है स्टेप वैल्यू, तो यहाँ पे इसी तरीके से स्टेप वैल्यू लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, आई प्लस प्लस और ब्रैकेट को यहाँ पे कर देंगे क्लोज। अब बात समझिएगा, ये आपका क्या हो जाता है, व्हाइल लूप। व्हाइल लूप का एग्जीक्यूशन अगर मैं आपको करके दिखाऊँ, फर्स्ट स्टेप ये होगा, दैट मीन्स आई की वैल्यू क्या हो चुकी होगी, 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन क्या आई, ट्रू आई। अब देखिए पहले कंडीशन चेक हो गया, तो इसी वजह से क्या है, एंट्री कंट्रोल लूप है, अंदर जाएगा एस ओ पी एल एन आई कराएगा, आई कराते ही 1 प्रिंट हो जाएगा, आई की वैल्यू प्लस प्लस, दैट मीन्स आई की नई वैल्यू 2 हो चुकी। फिर से अब यहाँ से कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, यहाँ से आपका ऊपर गया, आई की वैल्यू क्या हो चुकी है, 2, 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन क्या आ गई, ट्रू आ गई, तो ये भी क्या है, तो सिंपल सा है व्हाइल लूप, तो वैसे भी एंट्री कंट्रोल कंडीशन ट्रू ही, तो आके अंदर 2 प्रिंट करा और आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू, इस तरीके से 3 कराएगा, फिर आई की वैल्यू 4 होगी, 4 प्रिंट करा देगा, क्यों? क्योंकि 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन क्या आएगी आपकी, ट्रू आएगी। आफ्टर दैट आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन क्या आ जाएगी, ट्रू आ जाएगी, तो यहाँ पे भी आपका 5 प्रिंट हो जाएगा, कोई डाउट है यहाँ पे? सो होप सो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आई की वैल्यू अब जैसे ही 6 होगी, 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू, ट्रू होने के बाद 5 प्रिंट कराएगा, लेकिन यहाँ पे आई की वैल्यू तो इंक्रीज होगी, आई की वैल्यू 6, 6 इज लेस देन इक्वल टू 6, कंडीशन क्या आ जाएगी, फॉल्स आ जाएगी, तो यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अब अंदर जा नहीं सकता। तो ये तरीका किसका होता है, आपका व्हाइल लूप का, व्हाइल लूप का। तो बेसिक जो डिफरेंस है मेनली, अब देखिए फॉर और व्हाइल के बीच में डिफरेंस बहुत पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, फॉर और व्हाइल के बीच में मेजर डिफरेंस। तो फॉर का क्या हो जाएगा, इनिशियल टेस्ट कंडीशंस एंड स्टेप वैल्यूज आर इन सेम लाइन, इसमें क्या हो जाएगा, ऑल द वैल्यूज आर इन डिफरेंट लाइन। सिमिलैरिटी क्या है, अगर बात करें सिमिलर क्या है, डिफरेंस आपको समझ आ गया, सिमिलर क्या है, एंट्री कंट्रोल लूप होता है फॉर भी, और व्हाइल भी क्या होता है, एंट्री कंट्रोल लूप, फाइन। अब बात आती है, ये तो आपको होप्स अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस पर कुछ बहुत सारे आपके अलग अलग प्रोग्राम्स आते हैं जिसके अंदर आपको कन्वर्ट करना रहता है, तो उसको समझ लीजिएगा, ठीक है? और कोई भी दिक्कत होगी तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगले हम लोग चलते हैं डू व्हाइल पे, डू व्हाइल लूप की बात करते हैं। डू व्हाइल लूप की अगर हम लोग बात करेंगे तो होता क्या है इसके अंदर, इसका जो सिंटेक्स होता है उसमें कहता है इनिशियल वैल्यू, उसके बाद फिर डू कीवर्ड का यूज करते हैं, ये क्या होता है, कीवर्ड होता है, और फिर क्या होगा, ये स्टेटमेंट्स आ जाते हैं, देन आपकी स्टेप वैल्यू आती है, और लास्ट में आपका कंडीशन आती है, लास्ट में आपकी क्या आती है, कंडीशन, टेस्ट कंडीशन, फाइन। सो समझिएगा डू व्हाइल क्या हो रहा है कि यहाँ पे इसके अंदर लास्ट में है, तो ये क्या कहलाएगा, एग्जिट कंट्रोल्ड, फाइन। ये क्या है आपका, एग्जिट कंट्रोल, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी बैरियर नहीं लगा है, यहाँ पे कोई भी बैरियर नहीं लगा है, यहाँ पे कोई भी बैरियर नहीं लगा, तो ये क्या कहलाएगा आपका, एग्जिट कंट्रोल लूप। मतलब इसका सिंपल सा, डू व्हाइल क्या है, डू
वाइल, तो ऐसे याद रखना है करो एंड वाइल क्या होता है, जब तक। ठीक है, तो क्या हो गया आपका, आपको तब तक करना है जब तक कि ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। क्या हो जाएगा, जब तक करना है तब तक, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो इसका कन्वर्जन बना के देखते हैं, एग्जिट कंट्रोल कैसे, होप सो आपको क्लियर हुआ होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में कंडीशन चेक हो रही है। फाइन, इसका जो एग्जीक्यूशन का तरीका होता है वो इस तरीके से होता है, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप और ये फोर्थ स्टेप, मतलब लास्ट में आके कंडीशन चेक करता है। तब तक एक बार एटलीस्ट वंस एग्जीक्यूशन होगा ही होगा इसके अंदर, चाहे कंडीशन ट्रू हो चाहे कंडीशन फॉल्स हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में कंडीशन चेक कर रहा है। फाइन, अगर बात करते हैं इसका कन्वर्जन का, तो अगर फॉर का ये लूप है, आई इज इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 5, आई की वैल्यू प्लस प्लस, SOPLN अगर हम लोग आई कर देंगे ये, तो डू वाइल में कन्वर्ट कैसे होगा, आई इज इक्वल टू 1 डू ब्रैकेट ओपन करेंगे SOPLN आई, और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, प्लस प्लस ब्रैकेट लगाएंगे वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू व्हाट 5, और लास्ट में सेमी कोलन। सो होप सो आपको डू वाइल क्लियर हुआ होगा कि डू वाइल होता क्या है, कैसे होता है। ठीक है, डू वाइल और वाइल में अगर यही चीज़ वाइल से हो जाती तो होप सो आप ये कर लोगे। सिंपल सा आपको क्या करना है, सिंटेक्स तीनों के याद हो जाने चाहिए। अगर बात करें डिफरेंस का, तो अब अगर डू वाइल की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो डू वाइल और वाइल में ये चीज़ आपकी सिमिलरिटी में आ जाएगी, ठीक है, डिफरेंस में यहाँ पे आ जाएगा, वो क्या है आपका, एग्जिट कंट्रोल्ड, एग्जिट कंट्रोल्ड है। और अगर बात करें डू वाइल और फॉर की, दोनों में कोई भी सिमिलरिटी नहीं है, केवल डिफरेंस ही डिफरेंस है। डिफरेंस क्या हो जाएंगे, ये आपका इसके अंदर सब कुछ इनिशियल में है, इसमें सब कुछ क्या है आपका, सारे सेम लाइन है, इसमें क्या है, अलग अलग लाइन है, ये एग्जिट एंट्री कंट्रोल है, ये एग्जिट कंट्रोल है। सो होप सो ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एक अब आपको आगे जो है मैं बताऊंगा कि अगर डबल आपका नेस्टेड लूप लगा हो तो कैसे कन्वर्ट होगा। जैसे लिखा हुआ है फॉर एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस प्लस आफ्टर दैट ब्रैकेट ओपन करेंगे, फॉर वाई इज इक्वल टू 1, वाई इज लेस देन इक्वल टू 3, वाई की वैल्यू प्लस प्लस, SOPLN या SOPI लिखा हुआ है, SOP सॉरी Y लिखा हुआ है और SOPLN लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अब इस केस में कैसे करेंगे, अगर वाइल में कन्वर्जन करना रहेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, X इज इक्वल टू 1 लिखना है। मैं वाइल में भी कन्वर्ट करके बता रहा हूँ कि किस में है, वाइल में कन्वर्ट करना। फाइन, सो X इज इक्वल टू 1 वाइल लिखेंगे, वाइल X इज लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन क्या हो जाएगी, उसके बाद फिर वाई वाई लिखेंगे, सॉरी एक्स इज लेस देन, फिर यहाँ पे अंदर जो है वाई को स्टार्ट करेंगे, वाइल वाई इज लेस देन इक्वल टू 3, आफ्टर दैट आपका क्या हो जाएगा, SOP वाई होगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे SOPLN होगा, और यहाँ पे क्या करा, सॉरी यहाँ पे आपका वाई प्लस प्लस भी होगा, क्यों, क्योंकि कंडीशन लगेगी। फाइन, और स्टेप वैल्यू आती है अंदर, आफ्टर दैट एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। सो होप सो ये आपको अच्छे समझ आएगा, ये क्या हो गया आपका आउटर लूप और ये क्या हो गया इनर लूप। इनर लूप पूरा कंप्लीट हो जाएगा तभी आउटर लूप में जाएगा। अगर एक चीज़ डू वाइल से करना होता है तो कैसे करेंगे, डू वाइल के केस में, डू वाइल के अगर हम लोग केस की बात करें तो क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 1, फाइन, आफ्टर दैट डू ब्रैकेट ओपन करेंगे एंड लिखेंगे वाई इज इक्वल टू 1, उसके बाद फिर आपका हो जाएगा नेक्स्ट डू ब्रैकेट ओपन करेंगे SOP, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका SOP वाई, वाई की वैल्यू प्लस प्लस। होप सो आप अच्छे से कंपैरिजन कराइएगा तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वाइल वाई इज लेस देन और इक्वल टू व्हाट 3, ब्रैकेट को हम क्लोज करेंगे यहाँ पे। आफ्टर दैट अब क्या करेंगे आपका यहाँ पे SOPLN अगली जो कंडीशन है स्टेटमेंट से उसको लिखेंगे और वाई एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे प्लस प्लस, आफ्टर दैट ब्रैकेट क्लोज करेंगे और लिखेंगे वाइल एक्स इज लेस देन इक्वल टू व्हाट आपका यहाँ पे दिया गया है 5, तो इस तरीके से, और यहाँ पे सेमी कोलन। फाइन, होप सो आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि क्या होता है डू वाइल। तीनों क्या है, लूपिंग ही है, तीनों का काम क्या है, लूप कराना, और दूसरा होता है फॉर लूप, और तीसरा होता है वाइल लूप।
तीनों का काम सेम है, तीनों का काम क्या है, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट कराना, तीनों का क्या है, तीनों लूप हैं, तीनों क्या है, लूपिंग है, बस सिमिलर, थोड़ी सिमिलरिटी है, थोड़ा सा डिफरेंस है काम, लेकिन सबका एक है। होप सो आप इसके जो क्वेश्चन हैं वो करेंगे अच्छे से, और कोई भी डाउट होगी तो मुझे बताएंगे, मैं आपको लाइक करूँगा। आपको क्या करना है, इसके ऊपर पूरा लाइक रीराइट द, ऐसे करके क्वेश्चन आता है, रीराइट दी फॉलोइंग विथ फॉर लूप। सो होप सो आप ये पूरे क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे, कोई भी डाउट होगा, कुछ भी होगा तो आप नीचे कमेंट करके बताएंगे। सो फाइन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।